भी पसंद आ रहा है एलएनटी। वैसे आज भी देखें इतनी भारी गिरावट में एलएनटी उतना ज्यादा कट नहीं दिखा रहा है। यूबीएस का एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रिपोर्ट इस पर आपको आती है। देखिए नॉर्मल डेज में आप देखते तो स्टॉक में शायद आज बहुत बड़ा आपको एक्शन भी दिखता। आइए एक बार जरा समझते हैं यूबीएस का नया टारगेट और नया भरोसा क्या है एलएनटी पर। नूपुर के साथ, नूपुर बताइए। बिल्कुल, यूबीएस का भरोसा बढ़ते हुए दिखा एलएनटी पर, जो लक्ष्य वो भी बढ़ा दिए 3600 से बढ़ा के 4400 रुपए के बड़े लक्ष्य यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। बाय की रेटिंग के साथ लक्ष्य को बढ़ाया गया है। यूबीएस का कहना है कि जो कंपनी की कोर अर्निंग्स है वो अब सुधरती हुई नजर आ रही है। मार्जिन्स इस तिमाही में बॉटम आउट हो जाएंगे, आने वाले क्वार्टर्स में आपको मार्जिन्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। रिटर्न रेशियोज को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है यूबीएस। उनका कहना है कि जो डिलेज होते थे पहले के प्रोजेक्ट्स में वो अब नहीं होंगे, जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से रिटर्न रेशियोज भी यहाँ से सुधरते हुए नजर आएंगे। नए ऑर्डर्स इनफ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं कंपनी को, जिसकी वजह से आने वाले क्वार्टर्स में फायदा मिलते हुए नजर आएगा। सऊदी के जो ऑर्डर्स है उसमें डीले नहीं होता है, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखेंगे तो वो भी सुधरते हुए आपको दिखेगा। लगातार कंपनी की तरफ से कंपनी की आय और जो इन ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस है वो भी अपग्रेड होते हुए नजर आया है। और तीसरे तिमाही में कोर मार्जिन जो है कंपनी के वो भी बॉटम आउट होते हुए होने की पूरी पूरी उम्मीद है। अच्छे ऑर्डर साइकिल की वजह से मार्जिन आने वाले क्वार्टर्स में और सालों में सुधरते हुए नजर आएंगे। और वैल्यूएशन देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। सीएलएसए का यूबीएस का मानना है कि वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते है, 1x प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से लक्ष्य को बढ़ा दिया गया। 3600 रुपीज से बढ़ा के 4400 रुपीज का बड़ा लक्ष्य दिया है। 4400 का बड़ा टारगेट यहाँ पर एलएनटी पर आपके लिए आते हुए दिखा है। और खबरें भी चल रही हैं कुछ और बड़े ऑर्डर्स, खैर इनके लिए तो रोज ही ऑर्डर विन की खबरें आती हैं, बट कुछ बड़े ऑर्डर्स के लिए भी एलएनटी इन लाइन है, ये भी खबरें चल रही हैं। सजाद जी, एलएनटी आपका क्या टारगेट है सर इसके लिए? देखिए दीपांशु, एलएनटी पे तो हमारा टारगेट सरपास हो गया है और अनिल जी बहुत अच्छे से याद रखते हैं कि कई सालों से हम एलएनटी रेकमेंड कर रहे हैं। करीबन 1200-1300 का भाव था जब 1894 का हमारा टारगेट था, बट एलएनटी पे इतने सालों से जो हम कवर करते आ रहे हैं इसमें एक आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है और वो है 15। ये 15 जो आंकड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण है एलएनटी का, क्योंकि मैनेजमेंट लगातार बार बार दो आंकड़ों के ऊपर बहुत फोकस करती है। पहला है ऑर्डर बुक और दूसरा है आई के ग्रोथ में। 12-15% का ऑर्डर बुक की ग्रोथ की हर क्वार्टर की गाइडेंस चलती आती है और 15% आई के ग्रोथ की, तो 15 जो है इसके लिए 15% बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है एलएनटी का। यहां से भी कॉन्स्टेंटली ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन ग्रो हो सकती है, कहने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रॉक्सी टू इंडिया ग्रोथ स्टोरी है। अब जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद रिविजन हो सकता है हमारे प्राइसेस का। ओके, तो ये है आपके लिए एलएनटी टारगेट रिविजन।